Cem, ya dur, baskın. Ha, Bilge merak olur burada. Bekle. Dur, dur. Tika, tika. Dur, bak, dur. Bekle, ye, 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 ye. Let's go, buddy. Let's do this. Today's game is finished. It's very fun. Okay, now we're going home. It's been a long time. Sudha, you go to your mother. Good. Let's go, kids. Let's go दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कैसे सिनान उसको गाड़ी में बिठा के अपने साथ में ले गया। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। ज़ैनब आंटी, मुझे भूख लग रही है। मेरी बेटी को भूख लगी है? जाहिर है, इतना ज्यादा खेलोगी तो भूख तो लगेगी ना तुम्हें। बच्चे बहुत फनी थे। वो आंटी कौन थी? सिनान अंकल की फियांसी। क्या तुम्हें ये नहीं पता? नहीं पता? क्या मैं अभी टीवी देख सकती हूँ ज़ैनब आंटी? ऑफ कोर्स देख सकती हो। तुम तो मुझसे सुलह करना चाहते थे ना, फिर क्या हुआ? सब कुछ भुला दिया है मैंने तुम्हें, फोन भी करती रहती हूँ मैं। ये जॉब नहीं हुई ठीक है, लेकिन और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब क्यों, आखिर मेरी कॉल का जवाब देने में मसला क्या है? क्या ये इतना मुश्किल काम है? अच्छा रुक जाओ जरा, हम बात करेंगे। पहले मुझे गाड़ी पार्क करने दो। अच्छा किया तुम आ गई। अब होमवर्क को छोड़ो, मैं तो किताब पर ही सो जाऊं शायद। हम संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। क्या तुम और चांद साथ नहीं हो? दरअसल हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। मुझे नहीं लगता कि अब हम बात करेंगे। मैं तुम्हें जॉब के बारे में फोन करने वाला था, लेकिन अचानक बहुत सी चीजें सामने आई। तुम्हें याद है वो गुमशुदा बच्ची वाला केस? ज़ैनब की बेटी। वो सूरत हाल फिर से गर्म हो गई। तो क्या वो बच्ची मिल गई है? नहीं। सिनान, मेरी आंखों में देखो, जो बातें तुमने की थी क्या उनका मतलब अब भी बाकी है? कौन सी बातें? तुमने कहा था कि शायद हम दोबारा साथ हो जाएं, और ये कि मेरी मोहब्बत ने तुम्हें अच्छा महसूस करवाया। ये तो सही बात है। सिनान, तुमने ऐसी बातें क्यों की थी मुझसे? अगर तुम्हें खुद ही यकीन नहीं है तो तुमने ये सब क्यों कहा? सिनान, मैं वाकई तुम्हें समझना चाहती हूँ। यानी मेरा मकसद तुम्हें मजबूर करना नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। देखो रिधा, तुम वाकई में एक बहुत अच्छी इंसान हो, और मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं कर सकता। मैं वाज़े तौर पर एक जुनूनी और जिद्दी शख्स हूँ। मैं उस वक्त तक नॉर्मल नहीं हो सकता जब तक ये बच्ची का मसला हल ना हो जाए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, सबके साथ ही ऐसा। तो क्या इस मामले का ज़ैनब से ताल्लुक नहीं है कोई? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसका ज़ैनब से कोई ताल्लुक है। तो यानी तुम्हें ज़ैनब से मोहब्बत नहीं है? हाँ क्या? नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? किस मोहब्बत की बात कर रही हो? हमारे पास एक मसला है और वो है बच्ची। हमारा फोकस बच्ची पर है। मेरी ज़ैनब से बस सिर्फ दोस्ती है, यानी मेरी मुआवन और मेरी साथी है। हम हर हालात में एक साथ मिलकर गुजरे हैं। उस मामले में मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है।
तुम जानती भी हो हम पर क्या कुछ नहीं गुजरा। हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है और ना ही कुछ होगा। हाँ वैसे भी वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है। एज कहाँ से बीच में आ गई? वो बस 3 साल बड़ी है मुझसे, इसलिए बता रहा हूँ बस तुम्हें। हाँ ठीक है, जो भी हो तुम्हारे टाइप की नहीं है वो। अच्छा मुझे जरा देर हो रही है, कुछ काम है, घर जाना होगा। सिनान मैं तुम्हारे लिए इस मसले को हल करूंगी। कौन सा मसला? यही वो गुमशुदा बच्ची का मसला। तुम इसे कैसे हल करोगी? समझो कि एक क्लू है मेरे पास। और वो क्लू क्या है? समझो कि मैं किसी को जानती हूँ जो ऐसे लोगों को जानता है जो जानते हैं कि बच्ची कहाँ है, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस वाले लोग। देखो रीता, एक बात अच्छे से याद रखना कि इस मौजू पर कभी मजाक मत करना। हाँ सिनान मुझे पता है, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम इससे दूर रहना और प्लीज पुरसकून रहना। थोड़ी रकम देकर हम लोग ये मसला हल कर सकते हैं। तुम किस पैसे की बात कर रही हो रीता? क्या तुम्हें ये सब कुछ बच्चों का खेल लगता है? हाँ देखो, ऐसे ठग लोगों के हत्थे चढ़कर अपने पैसे मत गवा देना तुम। ये जो कोई भी है उससे मुझे मिलवा, फिर देखो उसका शर। बहुत हो गया, अब खत्म करो इसे। मुझे इस तरह ट्रीट मत करो सिनान, क्या बेवकूफ हूँ मैं? देखो बुरा होगा तुम्हारे लिए, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे बाबा के पास जाकर सब कुछ बता दूंगा, कैसे फ्रॉड को पैसे दे रही हो सब कुछ बताओ। मुझ पर चिल्लाओ मत, आखिर तुम चीख क्यों रहे हो मुझ पे? अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होगे, एक दिन देखना तुम। मेरे खुदा मेरे रब, मैं क्या करूं? एमरे, हाँ मुझे कुछ चाहिए तुमसे, क्या तुम फ्री हो? पता नहीं क्या सोचता रहता है, यानी परेशानियां तो सबके साथ होती है लेकिन कोई अपनी फैमिली के साथ ऐसा तो नहीं करता। आप सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, ये क्या बात हुई? उसे 2 दिन भूखा रहकर भीख मांगने दो, फिर देखेंगे। अब इतने हैंडसम लड़की को भीख कौन देगा भला? हाँ अगर वो अपने चेहरे और हाथों को गंदा कर ले तो भिखारी ही लगेगा। मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगी, ठीक करी हूँ ना मैं? मेरे बाबा वर्कशॉप में हैं। ठीक है बाबा, हम खामोश रहेंगे। मुझे लगता है उन्हें कुछ चाहिए, चलो देखते हैं। बाबा खोलो दरवाजा, मैं हूँ। जान बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मुझे तुम्हारे बाबा ने बंद किया यहाँ। बाबा कहाँ है? वो सामान लेने गए और भूख से मर रहा हूँ मैं यहाँ। अच्छा आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ। इतनी देर से तुमने किसी को भी आवाज क्यों नहीं दी? मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। कैसी हो अदा? तुम हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं तो बेटा अब हमें घर चलना चाहिए, आपके कपड़े भी वही हैं और अब हमें वहाँ सेटल हो जाना चाहिए। हाँ और मुझे अपना कमरा भी याद आ रहा है। जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर पैकिंग करके वापस चलते हैं। ठीक है। वैसे सिनान अभी काफी देर तक नहीं आएगा घर पर, वो रिदा के साथ है, बता दूंगी उसे तुम चली गई। उसे वापस आना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, अपनी जिंदगी भी है उसकी। एक बात सुन ले, हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं करना और अहमद को फोन वगैरह भी नहीं करना, समझी? हाँ नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे तो सबक मिल चुका है, कभी कभी अच्छी नीयत भी मुसीबत बन जाती है। यतीम और बेसहारा की मदद से तौबा कर ली मैंने। तौबा कर ली, बहरहाल हम दोनों जा रहे हैं, हो सकता है काफी अरसे मुलाकात ना हो आपसे। वैसे भी सिनान ने इतना कुछ तो कर दिया है ना, यानी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, अब उसे भी तो कुछ आराम करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल करना चाहिए।
चलो भाई, कहीं भूल ना जाना अपनी इस बहन को। आप भी मुझे ना भूलिएगा अब्बा। हम भूल जाने वाले लोगों में से नहीं। ये तो बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी हरकतें इसे परेशान करती है। सच कहूँ तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं मेलिस के लिए परेशान हूँ, वरना मुझे तुमसे क्या। खैर अब छोड़ो ये सब, अब कोई फायदा नहीं, अब से मैं भी परेशान नहीं होंगी। मैं यहाँ से चला जाऊँ या रहूँ क्या फर्क पड़ता है, मेरी परवाह किसे है आखिर। देख लो घंटों से बंद था मैं यहाँ, किसी ने फोन करके पूछा मेरा। मेलिस तुम जल्दी घर क्यों आ गई, थिएटर की प्रैक्टिस नहीं की। वो कैंसिल हो गई तो हम होमवर्क करने घर आ गए, लेकिन इस बार आपने हद कर दी बाबा, इसे वर्कशॉप में बंद कर दिया आपने। इसका फायदा भी तो हुआ है, देखो ये भाग नहीं सका, तुम लोगों के साथ यहीं पर बैठा हुआ है। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं जान बेटा, अभी तक नहीं आए वो। शायद आपको जान को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ये 18 साल का होने पर इससे शादी कर लेगा। क्या? और मैं इससे शादी कर लूंगा, मेरा दिमाग खराब नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ओके ठीक है ठीक है, झगड़ा मत करो, इस सामान को फ्रिज में रखो, फिर अपना अपना होमवर्क करना। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया, क्या चल रहा है? आप ठीक कह रहे थे, फुटेज के मुताबिक जिस दिन किडनैपिंग हुई है अलिफ की, साबरी अलमास वहीं पर मौजूद था। लेकिन ये वाकये की बात की तस्वीरें है ना? हाँ तकरीबन आधे घंटे के बाद की है। हाँ फिर पुलिस पहुंच गई और सबके बयान लेना शुरू कर दिए। इस खबीस आदमी की हिम्मत तो देखो जरा, वो पहले लड़की को अगवा करता है, उसे किसी जगह ले जाकर छुपाता है, और फिर जाए वकुआ की जांच करने के लिए वापस भी आ जाता है। बड़ा शातिर जहन है इसका। और देखो सर हमारी नाक के नीचे ये सारा खेल खेल कर इसने हमारा ही मजाक उड़ा दिया है। भाई कौन सोच सकता है कि वो इतना पागलपन करेगा। अरे मेरे यार यकीनन इस शख्स ने इस मौजू पर बहुत सारी किताबें लिखी होंगी। वो जासूसी नॉवल लिखा करता था ना? हाँ ये बेहतरीन ऑथर्स में से एक है। $100 का चेंज होगा तुम्हारे पास, ये लो। आपको क्या हो गया? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर मुझे करेंसी एक्सचेंज पर ले चलो, पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे ग्रोसरी वगैरह के लिए कुछ पैसे कैश चाहिए। अपने कपड़े बदलो और मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, हम बहुत जल्द यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? सुबह से यहीं हूँ मैं, पहले कुछ बताओ तुम मुझे। मैं बाहर हूँ, जल्दी से आ जाओ, कोई भी बेवकूफी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? बारिश की तरह ये मुझ पे बरसा, कुछ तो ऐसा था जो मुझे जिंदगी से जोड़ गया। घर के करीब पहुंच गए हैं, चलो उठ जाओ। घर जाने से पहले हम खाने के लिए कुछ खरीद लेते हैं बेटा।
भाई अगर वाकई अच्छा है तो मुझे दे दे, मैं इसे अपनी बच्ची के लिए ले जा रहा हूँ, अगर उसे पसंद नहीं आया तो फिर वो नहीं खाएगी। और इसके लिए इतने पैसे देने पर आपको बीवी से डांट भी पड़ेगी। बिल्कुल, फिक्र ना करें, घर तबाह नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया। तुम्हें पूरी मार्केट में यही गोश्त मिला था? इतना सख्त है कि चबा चबा कर मेरे दांत में दर्द हो गया है। इसमें क्या बुराई है, मैं तो बिल्कुल ठीक तरह से खा रहा हूँ। तुम्हें गोश्त के बारे में कुछ नहीं पता, लगता है कसाब ने गोश्त की जगह अपना कटिंग बोर्ड काट कर तुम्हें दे दिया है। नहीं नहीं, वो यही कहेगी। 550 हो गए, लेकिन आप 500 रुपए दे दें। हाँ, ठीक है। वैसे इसका वजन क्या है? एक पाव। एक पाव, आपका शुक्रिया। क्या आपके पास इसमें से नरम सा गोश्त है कोई? मैं उसमें से भी थोड़ा सा ले लूंगा। है बिल्कुल। बेटा, बस बहुत चीजें खरीद ली, देखो ये सब जंक फूड है, हम फ्रेश सब्जियां खरीदेंगे। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मैं और बाबा कई हफ्तों से शॉपिंग पे भी नहीं गए थे। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मेरे बाबा चले गए हैं। चलो मुझे दिखाओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं भी जानना चाहती हूँ आपने क्या खरीदा है। ये चिप्स, फिर ये अपने नाश्ते के लिए ये सीरियल भी लिए हैं, और ये बबल गम। मैं वापस आ गया हूँ, बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ, देखिए आज रात हम पार्टी करेंगे। खुशामदीद। शुक्रिया। वैसे बाकी सब कहाँ पर है? वो तो चले गए। कहाँ गए? ज़ैनब ने कहा मैं जा रही हूँ, मुझे अपने बच्ची के साथ जिंदगी गुजारनी है। कह रही थी सिनान को और परेशान नहीं करूंगी, सब कुछ तो हल हो चुका है। इतने अरसे हमने जो कुछ भी किया उसका शुक्रिया अदा कर रही थी वो, यहाँ तक कि उसने हमारे लिए कुछ पैसे छोड़े, अलविदा कहा और चली गई। पैसे भी छोड़े हैं उसने? हाँ ना, और वो भी पूरे 10,000। और ये भी कहा उसने जैसे ही और पैसे मिलेंगे उन पैसों को भी आप लोगों को अदा कर दूंगी, वो भी सूद समेत, घबराने की जरूरत नहीं। कह रही थी कि सिनान को नई और खूबसूरत कार खरीद के दूंगी। तो पैसे छोड़ कर गई है ना? हाँ, अभी तो बताया, चली गई वो। आप झूठ बोल रही हैं, वो पैसे कहाँ हैं, जरा दिखाएं मुझे। तुम पैसे मुझसे नहीं लोगे, लेकिन कसम खानी होगी तुम्हें पहले इस बात की सिनान। अम्मी अबू की कसम खाओ पैसे नहीं लोगे। हाँ मैं कसम खाता हूँ, चले। क्या करूँ मैं इनका? हाँ ये रहे पैसे, देखो तसल्ली हो गई, अब मैं वापस रख रही हूँ। इसे चुराने की कोशिश मत करना वरना बैंक में जाएंगे पैसे। ठीक है, चले जो चाहे करें। बात सुने, ये फजूल हरकत ना करे। चले आए हम बारबेक्यू करते हैं आपा, साथ में कुछ आलू के फ्राइज भी बनाएंगे। अचानक सब करने की वजह क्या है? मैं भी इस घर में रहता हूँ, मुझे लगता है यही वजह है। हाँ ये तो पता है, जो पूछा है वो बताओ। आप रिदा के बारे में पूछ रही हैं? माशाल्लाह कितने जीनियस हो। छोड़े ये सब, यहाँ आए और हाथ बटाएं मेरा। चलो अब आ जाओ, हमें यहां से जाना है। जल्दी
ये लो खाना बन गया। टीवी देखते हुए साथ खाते हैं। अपनी प्लेट उठा लो वहाँ से। क्या आपने खाना टेबल पर नहीं लगाया? क्या आप टेबल पर खाना खाना चाहती हो? हम सोफे पर खाना नहीं खा सकते। हाँ सॉरी, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा बेटा। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाया जाता है, इसके अलावा मेरा डेली टीवी टाइम खत्म हो गया है। आपको शायद पता नहीं कि मैं रात का खाना खाने के बाद होमवर्क करके सो जाती हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है। चलो फिर डाइनिंग टेबल पर ही बैठते हैं। बेटी को अगवा करना काफी नहीं था, सारी पर्सनैलिटी ही बदल दी उसकी।